हेलो पीपल, आप सभी का फिर से स्वागत है डिफेंस एक्सपी नेटवर्क के एक फ्रेश और नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेट करे जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट्स के बारे में। इंडियन नेवी की हिस्ट्री में बहुत से फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने बहुत से महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हैं। 1953 में नेवी के पहले एयर स्टेशन INS गरुण पर फेरी फायरफ्लाई नाम के फाइटर एयरक्राफ्ट को कमीशन करा गया था। यह एयरक्राफ्ट ब्रिटिश कंपनी फेरी एविएशन द्वारा बनाया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एरा का एयरक्राफ्ट था। इसका प्रयोग एरियल रिकॉनिसेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और कैरियर बॉर्न स्ट्राइकिंग के रूप में किया जाता था। 1961 में INS विक्रांत के इंडक्शन के बाद इंडियन नेवी ने दो और डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स, ब्रिटिश सीहॉक और फ्रेंच मेड एलीज एयरक्राफ्ट को अपनी फ्लीट में कमीशन करा। सीहॉक हॉकर एयरक्राफ्ट आर्मस्ट्रॉन्ग विटवर्थ नाम की एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा बनाया गया नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट था। इस एयरक्राफ्ट को 1983 में इंडियन नेवी द्वारा सर्विस से विड्रॉ कर लिया गया था। दूसरी तरफ एलीज एक फ्रेंच कंपनी द्वारा बनाया गया एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट था। इंडियन नेवी ने इन दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट्स की मदद से 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में कई गनबोट्स, कार्गो शिप्स और वेसल्स को डिस्ट्रॉय करा था, और वह भी बिना किसी एयरक्राफ्ट रिलेटेड कैजुअल्टी के। 1980 के दशक में इंडियन नेवी ने ब्रिटिश एरोस्पेस सी हैरियर को INS विराट पे ऑपरेशन के लिए इंडक्ट करा था। सी हैरियर एक हॉकर सिडली ब्रिटिश एयरस्पेस नाम की कंपनी द्वारा बनाया गया एक स्ट्राइकिंग फाइटर कैटेगरी का एयरक्राफ्ट था। यह एयरक्राफ्ट शॉर्ट टेक ऑफ, वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग जैसी खूबियों के साथ आता था। इस एयरक्राफ्ट के आने से इंडियन नेवी को नए और मॉडर्नाइज वेपन जैसे कि एंटी शिप सी ईगल मिसाइल और मैत्रा मैजिक जैसी एयर टू एयर मिसाइल्स यूज करने का मौका मिल गया था। इस एयरक्राफ्ट को मार्च 2016 में रिटायर कर दिया गया था। MiG-29K इंडियन नेवी ने इस एयरक्राफ्ट के इंडक्शन का प्रोसेस अप्रैल 2002 में ही शुरू कर दिया था। 22 जनवरी 2007 को इंडियन नेवी के पहले MiG-29K ने अपनी उड़ान भरी। इस एयरक्राफ्ट को INS विक्रमादित्य पे फील्ड करने के लिए रखा गया था। इसकी पहली स्क्वाड्रन ब्लैक पैंथर्स को 11 मई 2013 में कमीशन करा गया था। यह एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट करे जाने वाले MiG-29 से कहीं ज्यादा डिफरेंट है। MiG-29K में एक हार्ड अंडर कैरेज, एडिशनल फ्यूल टैंक्स, फोल्डेबल फिन्स, अपडेटेड फ्लाइट कंट्रोल्स और स्पेशल कोटिंग्स का भी यूज करा गया है। इंडियन नेवी के MiG-29K का रडार क्रॉस सेक्शन एक बेसिक MiG-29 से लगभग 4 से 5 गुना कम है। अब बात करते हैं कुछ अपकमिंग एयरक्राफ्ट की जिनके बारे में इंडियन नेवी प्लान कर रही है। इंडियन नेवी इस समय मॉडर्नाइजेशन के फेज से गुजर रही है, जिसमें कई एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने पर विचार किया जा रहा है, जैसे कि FA-18 सुपर हॉर्नेट। यह एक ट्विन इंजन कैरियर कैपेबल एयरक्राफ्ट है जिसको US की कंपनी बोइंग द्वारा बनाया गया है। RAFAEL-M यह डसॉल्ट कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले राफेल का एक नेवल वेरिएंट होगा, जो कि केवल इंडियन नेवी के लिए बनाया जाएगा। इंडियन नेवी द्वारा जनवरी 2017 में रिलीज करे गए RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेन कॉन्टेस्ट RAFAEL-M और FA-18 सुपर हॉर्नेट में ही है। HAL तेजस यह एक होमग्रोन एयरक्राफ्ट है जिसको इंडियन नेवी के ऑपरेशंस के लिए मॉडिफाई करा जा रहा है। गोवा में स्थित शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से इसके ट्रायल्स किए जा रहे हैं, और INS विक्रमादित्य से भी इसके ट्रायल्स को शुरू कर दिया गया है। जय हिंद।